Hello friends, welcome back to my YouTube channel Kitchen Tools. So guys, today I am gonna unbox JP product JP e-warmer. So आइए without any delay हम unbox करते हैं JP का e-warmer. So guys, ये है मेरा product आज का जो मैं unbox करने वाला हूँ आप लोगों के सामने JP Plus e-warmer. जी हाँ, ये electronic e-warmer है. अब इसे मैं unbox करता हूँ आप लोगों के सामने. खासियत इसकी बहुत सारी है, मैं एक एक करके आपको सारी reveal करने वाला हूँ. So guys, इस video को पूरा देखें और आगे चलते हैं, इसको unbox करते हैं. इस तरीके से गाइस, ये कैसरोल है. इसकी पैकिंग में देखा हूँ, पैकिंग कंपनी के द्वारा काफी सुंदर पैकिंग है. JP Plus ये कैसरोल है, JP Plus मॉडल है इसका और ई वार्मर के नाम से ये कैसरोल आता है मार्केट में. इस तरीके से टफन ग्लास की इसकी लिड है. दो कंटेनर है इसके इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर मॉडल के अंदर. इस तरीके से दोनों कंटेनर का जो साइज है वो भी काफी अच्छा साइज है, अगर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से है गाइस. और इसकी जो वायर है, वायर भी काफी अच्छी है कंपनी के द्वारा. वायर का केस भी दिया हुआ है. इस तरीके से आप इसे अनप्लग कर रहे हैं, खोल रहे हैं, इस तरीके से काफी अच्छी इसकी लंबी वायर है. इसका गाइस बेनिफिट मैं आपको बता दूं एक एक करके. एक तो टफन ग्लास है, ग्लास इतनी जल्दी टूटना नहीं वाला है ये. उसके बाद डिटैचेबल स्टील के कंटेनर है. अब मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं सर्दियों का टाइम है, जरूरी नहीं है सारे एक साथ खाना खाते हैं. कई बार कोई लोग 5 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद, कोई आधे घंटे बाद भी खाना पाता है. सो गाइस, इसमें क्या आपको बार बार माइक्रोवेव करने की जरूरत नहीं है या बार बार स्टोव ओपन करने की जरूरत नहीं है. आपने इसमें अपना फूड डाला, दाल या सब्जी, व्हाटएवर यू वांट टू ईट, आपने इसमें डाला और इसमें रख दिया और इसे प्लग इन कर दिया. गाइस, सबको खाना गर्मा गर्म मिलने वाला है, ताजा मिलने वाला है, फ्रेश मिलने वाला है इस कैसरोल के बाद. अब गाइस, इसमें जो एडवांटेजेस हैं जो जेपी कंपनी देता है, 1 ईयर की वारंटी देता है. इस तरीके से इसका वारंटी कार्ड है जो कि कंपनी के द्वारा गिवन है. गाइस, अब मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ आपको. दो कंपार्टमेंट है जो कि डिटैचेबल उसके साथ है. डिटैचेबल है, आप इसे आराम से, जैसे अगर इसमें खत्म हो गया खाना आपका, डायरेक्ट इस जार को उठाइए, किचन में ले जाइए, रिफिल करिए और दोबारा इसमें लगा दीजिए. बार बार आपको एक कैसरोल उठाने की भी नीड नहीं है. उसके बाद गाइस, अगर आपने इसे चालू कर दिया अपने आप ऑटो कट हो जाता है. जी हाँ, ये कैसरोल कभी भी खराब नहीं होगा आपका. 1 ईयर की कंपनी वारंटी तो देती है, साइड बाय साइड ऑटो कट के साथ है ये. अब इसमें गाइस, इन्होंने बहुत सुंदर एक इंडिकेटर दिया हुआ है. जैसे कि आप इसे प्लग इन करते हैं तो लाइट इंडिकेट करती है, वो भी काफी सुंदर है. ये इसका सॉकेट है, यहाँ पे आपने इसे लगाना है. अब मैं नीचे से अगर दिखाऊं तो नीचे कंपनी के द्वारा, JP Plus के द्वारा बूट्स दिए हुए हैं. जी हाँ, 6 बूट्स हैं, ताकि अगर किसी भी टेबल पे आप इसे रख रहे हैं तो बिल्कुल स्टडी रहे, मतलब हिले डुले ना. काफी अच्छे इसके बूट्स हैं नीचे की तरफ कंपनी के द्वारा जो दिए हुए हैं. वॉट की मैं बात करूं तो वॉट भी काफी इकोनॉमिक है, 70 वॉट्स के अंदर ये प्रोडक्ट है. फूड ग्रेड, पूरा फूड ग्रेड मटेरियल के अंदर है कंपनी के द्वारा, नीचे लेबल भी है. और गाइस, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है. जी हाँ गाइस, कंपनी ने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है. जेपी एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया को बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा अपना जो टेक्नोलॉजी है काफी अच्छे से उसको प्रिपेयर करता है, काफी अच्छे से उसको शो भी करता है. सो गाइस, ये इसके ओवरऑल व्यूज थे. मेरी मानिए तो ये सर्दियों की एक ऐसी नीड है जो कि आपके घर में होना बहुत अनिवार्य है. काफी अच्छी एक प्रोडक्ट है. अब गाइस, मैं इसके आपको थोड़े से की फीचर और बता देता हूँ. क्विक हीटिंग है, इस बॉक्स में लिखा हुआ जैसे कि शॉक प्रूफ है. जी हाँ, इसमें कोई भी आपको कोई डर नहीं है, चाहे बच्चा ऑपरेट करे चाहे बड़ा ऑपरेट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेम्परेचर ऑप्टिमाइजिंग, जी हाँ, टेम्परेचर भी अपने आप ये एडजस्ट कर लेते हैं और ऑटोकट है ये इस प्रोडक्ट के अंदर. और गाइस, ये थे इसके ओवरऑल व्यूज, जो ओवरऑल जो वो थे. बाकी इसकी MRP की मैं बात करूं तो 1995 इसकी MRP है JP e-warmer. एंड जो कंटेनर का साइज है वो आपका 1150 ml का पर कंटेनर है. जी हाँ गाइस, दो कंटेनर है, दोनों की ही जो साइज है वो इक्वल है, 1150 ml का कंटेनर है एक. सो गाइस, ये थे इस प्रोडक्ट के ओवरऑल रिव्यू एंड अनबॉक्स में आपके सामने कर ही चुका हूँ. इस प्रोडक्ट के बारे में भी अगर आप और कुछ जानना चाहें तो डायरेक्ट मेरा कमेंट सेक्शन है, मेरा मेल सेक्शन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल पे पूछ सकते हैं, कमेंट पे भी पूछ सकते हैं. अब गाइस, इस सुंदर से जेपी के प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहें तो विदाउट एनी डिले आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए और परचेज करिए इस जेपी के ई वार्मर को. एट द लास्ट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करिएगा इस वीडियो को, अगर कमेंट करना चाहे कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस इस चैनल को. और थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.